ईडी, सीबीआई, एनसीबी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, आप केंद्र सरकार के लिए कुछ भी बोल देते हैं, आप प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ भी बोल देते हैं, किसी के लिए आपके जो मन में आता है आप बोल देते हैं। आपको आपको क्या लगता है कि जनता आपको कुछ नहीं बोल सकती? आप हो कौन? कहीं के राजा महाराजा हो या क्या हो आप? सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं बार बार ये सबको कहता हूँ, इन लोगों के अंदर ये भावना आ गई है कि हम राजा महाराजा हैं और ये हमारी प्रजा है। उल्टा आना चाहिए था, प्रजा हम नहीं है, प्रजा ये है हमारे लिए, हमारे ये सर्वेंट हैं सारे के सारे। और अगर नौकर अपनी औकात भूल जाता है तो उसको उसकी औकात याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं चाहूँगा कि सीबीआई, एनसीबी, एनआईए, जो भी जिनका भी इन्होंने मजाक उड़ाया है, वो सारी कंपनी जांच एजेंसीज बाकायदा इनके ऊपर एफआईआर करें और इस गधे को उठा करके काल कोठरी में डालो, क्योंकि ये गधा बाहर घूमता हुआ अच्छा लग नहीं रहा है। सर, हमने हमेशा बार बार लगातार हमेशा से एक ही चीज़ देखते हुए आए, शिवसेना में ये ट्रेंड ही चल चुका है, कभी किसी का सर मुंडवा देते हैं, एक नेवी वेटरन को इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं, उसके बाद कभी किसी का ऑफिस गिरवा देते हैं, कभी पूरे चैनल पर जो है एफआईआर कर देते हैं, और जो अब हम देख रहे हैं किस तरीके की इन्होंने जो फोटो शेयर करी है, तो हमेशा से ये जो चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें क्यों करते हैं? क्या इनकी ये बौखलाहट ही है जो ये सब इनको करने में मजबूर करती है? असल में देखा जाए तो आप अगर किसी का ब्रेड एंड बटर छीन लोगे ना, तो इंसान बौखलाहट में ऐसे काम करेगा ही। उसको ये नहीं दिखता उस समय बदला लेते हुए कि ये सब काम इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, हमारे देश के अगेंस्ट जा रहे हैं ये नहीं दिखता है। असल में हुआ क्या है, अर्णब गोस्वामी ने जब एक एक करके सब चीज़ें एक्सपोज करना शुरू कर दी थी, तो जो इन लोगों के कनेक्शन थे दाऊद कंपनी से, कराची वुड से, ड्रग्स वालों से, जिनकी वजह से इनको मोटा पैसा कमाने को मिलता था, जिनकी वजह से इनको धांधलेबाजी करने को मिलती थी, लैंड ग्रैबिंग करने को मिलती थी, इनके जो बीएमसी के मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उस लेवल तक भी धांधलेबाजी है, उस बंदे तक का नाम है कि उसने लैंड ग्रैबिंग करी है। आप सोचिए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब जैसों का भी नाम आया है कि इन्होंने भी जो देश की जनता की संपत्ति है उसके ऊपर नाजायज कब्जे कर रखे हैं। अब जब एनसीबी, ईडी इन सब की जांच कर रही है और इनके पिट्ठुओं की औलादें इनमें संलिप्त नजर आ रही है, तो इन लोगों को लग रही है मिर्ची, और मिर्ची जब लगेगी तो कोई ना कोई कुत्ता तो भौंकेगा ही। आप देखिए, एक बात गौर की जाए तो शाहीन बाग हो गया हमारे देश में, किसानों का हो गया हमारे देश में, इसके अगेंस्ट में इनकी एक छोटी सी छोटी प्रतिक्रिया नहीं आती है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि कराची वुड से इनका जो प्रेम है, दाऊद से जो इनका प्रेम है, भैया दाऊद का बंगला भी है ना वहाँ पे, कौन जगह का नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पता है कि दाऊद का बंगला बॉम्बे में है, तो दाऊद का बंगला गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट 4 बार बोल चुकी है, आपसे वो बंगला नहीं गिर रहा। भैया दामाद लगता है तुम्हारा, फूफी का लड़का है कौन दाऊद इब्राहिम? एक नंबर का आतंकवादी इंसान है, और मेरे लिए आतंकवादी इंसान के साथ खड़ा हुआ हर इंसान, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो उसका पिट्ठू हो, चाहे बंदर हो, वो हर इंसान मेरे लिए आतंकवादी है। और इस समय महाराष्ट्र सरकार जो हम देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र की सत्ता सौंपी गई है, वो किसी आतंकवादी सरकार की जैसे लग रही है। अगर हमारे को हमारे महाराष्ट्र सरकार की महाराष्ट्र की जनता को सेफ करना है, तो सबसे पहले ठाकरे साहब की सरकार को गिरा के, उसको पैक करके कचरे में फेंके, और हर एक इंसान पे जो इस सरकार में है, चाहे वो छोटे से छोटा बंदर संजय राउत हो, चाहे वो मदारी उद्धव ठाकरे हो, हर किसी के ऊपर केस दर्ज करके बाकायदा जांच एजेंसीज बैठे, इनकी खुदाई करे, अगले पिछले सारे चिट्ठे एक एक बाहर निकाले, तो और इनको समझाया जाए कि कुत्ता और शेर और गीदड़ और बंदर कौन है और कौन नहीं है, कौन हरामखोर है, कौन अकलखोर है, ये सारी बातें इनको समझाई जाएं। ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज हमारे देश के अंदर जो जनता है उसको ये मैसेज देना कि भैया अगर हमारे देश हमारे देश में अगर आप गलती से भी
अपनी सत्ता का दुरुपयोग करोगे तो हिंदुस्तान की जनता आपको आपकी असली जगह दिखा देगी, और अगर आपने गुंडागर्दी दिखाई तो वो गुंडागर्दी जनता दिखाना शुरू कर देगी, और उस गुंडागर्दी से आपका बचना मुश्किल ही नहीं है, नहीं आप बच ही नहीं सकते, आप देश के अंदर रह के देश की जनता से सीधे सीधे पंगा लोगे, इतने बड़े हो गए हो, इतने बड़ी तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सीधे सीधे संविधान से और हमारी देश की जनता से डायरेक्ट पंगा ले लो। अबे शर्म कर लो इससे पहले कि वजूद खत्म हो जाए तुम लोगों का, किसी को कुत्ता कह रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, किसी का घर तोड़ रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कल को तुम लोगों का ही घर तोड़ने के लिए जनता सड़क पे उतारू हो जाए। ये जो गुंडागर्दी है ना, ये एक समय तक अच्छी लगती थी कि ठीक है हमने मूवी में देखा चार गुंडे आए उनकी धुलाई हो गई, वहाँ हीरो करता था, यहाँ पे हीरो हमारी जनता है, देश के युवक हैं। अगर सीधे सीधे देश के युवक से देश की जनता से पंगा लोगे नंगा करके पूरे देश में दौड़ाया जाएगा। तुमने एक बंदे को गंजा करा था, हम हर एक गुंडे को नंगा करेंगे, गंजा करेंगे और पूरा कालिक पोत के देश भर में घुमाएंगे, ताकि पूरे देश के साथ साथ इंटरनेशनली भी ये चीज़ जाए कि हिंदुस्तान की जनता अपनी रखवाली करना भी जानती है, अपने देश की हिफाजत करना भी जानती है और उसकी सफाई करना भी जानती है। देखिए मैंने इनको एक संज्ञा दी है संजय राउत जी को, इनको पाकिस्तानी गधा बोलता हूँ मैं, क्योंकि इनकी शक्ल और अकल पे बिल्कुल पत्थर पड़े हुए हैं। कायदे से देखा जाए सेंट्रल एजेंसी जिनकी जो वैल्यू होती है वो किसी एक आर्मी वाले की जो वैल्यू होती है उसके बराबर होती है, और अगर आप किसी आर्मी वाले के वैल्यू के बराबर में खड़ी हुई हमारी किसी सेंट्रल एजेंसी का मजाक उड़ाते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं कुत्ते से, तो मैं ये समझता हूँ कि इनको अकल देने वाला खुद भी एक बहुत बड़ा गधा होगा जिसने इनको अकल दी होगी कि भैया तुम नेता बन जाओ। कहने को ये राज्यसभा में बैठते हैं, इनके दिल्ली में बंगले मिले हुए हैं एमपी होने के नाते, भैया इतना सब कुछ अगर किसी ऐसे इंसान को दिया जा रहा है जिसको शेर और कुत्ते के बीच का अंतर ही नहीं पता है, तो मैं चाहूँगा गवर्नमेंट को कि हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद करना कर दे बंद, और इन गधों के ऊपर तो पूरी तरीके से, क्योंकि ये सारे के सारे गधे वो उस कैटेगरी के गधे हैं कि अगर आप इनके ऊपर काम चलाने के लिए सामान या बोझा लाद दोगे ना, तो ये वो सारा सामान उल्टा जनता के ऊपर गिरा करके अपना भाग जाएंगे। सबसे ज़्यादा डरपोक ब्रीड अगर कोई है आज हमारे देश में तो वो इन गधों की है, और अच्छा ही ये है कि हमको पता लगने लगा है कि ये सारे गधे कहाँ पल रहे हैं। आज अगर संजय राउत जी खुलेआम ट्वीट कर रहे हैं कि कुत्ते की जैसे ईडी और सीबीआई देख रही है महाराष्ट्र की तरफ, तो भैया ऐसा है तुम्हारे जो महाराष्ट्र के अंदर जो गंदगी पल रही है ना, ये ड्रग्स वाली जो पूरे हमारे देश में घूम रही है, उसको ख़त्म करने का काम तुम्हारे चाचा ताऊ नहीं करेंगे आगे वहाँ पे, वो ईडी सीबीआई एनसीबी ही करेगी, एनआईए भी आएगी, रॉ भी आएगी, फिर तुम उन लोगों को क्या क्या संज्ञान दोगे।